आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों को 25 साल हो चुके हैं। इस मामले में संजय दत्त का नाम भी आया था। संजय दत्त पर अबू सलेम से अवैध बंदूकों की डिलीवरी लेने और उन्हें रखने का दोषी माना गया था। आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए संजय दत्त की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में सबसे अहम रोल आईपीएस राकेश मारिया ने निभाया था। दरअसल मुंबई पुलिस ने संजय दत्त को एक एनल और दूसरे हथियार रखने के केस में अरेस्ट किया था। बताया जाता है कि जब संजय का इंटेरोगेशन शुरू हुआ तो वे पुलिस को गुमराह करने लगे। इस बीच केस की कमान संभाल रहे आईपीएस मारिया जब इंटेरोगेशन रूम में पहुंचे तो संजय उन्हें देखकर डर गए। जैसे ही मारिया ने पूछताछ शुरू की तो वे फूट फूट कर रोने लगे और हथियारों से जुड़े सारे राज खोल दिए। बता दें कि ब्लास्ट के बाद मारिया को इस केस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मिली थी। मुंबई पुलिस ने संजय को AK-47 और हथियार रखने के केस में अरेस्ट किया था।